इधर प्रदेश की बात करें तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 12 सीटों पर मतदान हो रहा है। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग ने 12 सीटों पर मतदान के लिए 23,783 मतदान केंद्र बनाए हैं। साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोगों से भयमुक्त होकर वोटिंग करने की अपील की है। आपको ये भी बता दें कि प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान में 12 सीटों पर 2,31,79,623 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने औसत 970 मतदाताओं पर मतदान बूथ बनाए हैं। वहीं सुरक्षा के लिहाज से प्रत्येक बूथ पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष जाब्ता भी तैनात किया गया है। आपको जो बड़ी बातें बता दें, दूसरे चरण की जो खास बातें हैं वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दूसरे चरण में शहरी मतदान केंद्र 5,187 हैं। चूरू में सबसे कम मतदान केंद्र है 2,068, सबसे कम बीकानेर में 1,829 मतदान केंद्र है। तो नाम वापसी के बाद 12 लोकसभा सीटों के लिए 134 उम्मीदवार इस समय मैदान में हैं। श्रीगंगानगर लोकसभा सीट से 9 उम्मीदवार हैं, झुंझुनू से 12, सीकर में 12, जयपुर ग्रामीण भरतपुर में 8, करौली धौलपुर में 5, दौसा में 11 उम्मीदवार हैं। सभी बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो पहले चरण का जो मतदान है वो काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से रहा था, 68% मतदान हुआ था पूरे प्रदेश भर में। और अब दूसरे चरण की बारी है और लोगों से यही उम्मीद है कि इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी जो भागीदारी है वो पूरी तरीके से निभाएं।